हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय माय चैनल तो चलिए स्टार्ट करते हैं बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन को तो आइसोटोनिक सोल्यूशन को इसमें सबसे पहले हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन हैविंग द सेम प्रेशर ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेम रहे तो उसे क्या बोला जाता है आइसो ऑस्मोटिक और उसी को ही क्या बोला जाता है आइसोटोनिक बोला जाता है एंड और जैसे डेफिनेशन देखें आगे वेन टू सोल्यूशन है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अगर सेम है अगर उसका जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन जैसे देखे है ना इसमें क्या बोला जा रहा है सोल्यूशन अगर कोई दो सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और उसका सोल्ट कंसेंट्रेशन सेम है तो उस कंडीशन में सोल्यूशन उस, उस को बोला जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन अब यहां पे हमको ये समझना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जैसे देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर uh, के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्यूशन का आइसोटॉनिक जो सॉल्यूशन है अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है और सेम सोल्ट कंसेंट्रेशन है तो फिर वो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे तो इस जगह पे हमको दो चीजें पता रहनी चाहिए एक सबसे फर्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस एंड सेकेंड है हमारा डिफ्यूजन दोनों के केस में हमको देखने को मिलेगा कि वो एक जैसे कि डिफ्यूजन के, तो के बारे में देखेंगे तो डिफ्यूजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है है ना किसी बीकर में सॉल्यूशन है जिसमें हम वॉटर को रख दिए इसमें हम लोग कोई बीकर में वाटर ले लिए अब उसके अंदर कोई रेड कलर या फिर ग्रीन कलर का या फिर बोल सकते हैं कोई से भी कलर कंपाउंड इसके अंदर डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा वो जो कलर कंपाउंड है पूरे वाटर में घुल जाएगा तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो कलर कंपाउंड है इसका जो कंसेंट्रेशन है ये क्या है हाई है कलर का कंसेंट्रेशन हाई है और वाटर में इस कलर कंपाउंड का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है लो है तो इस कंडीशन में क्या होगा अगर किसी रीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा हाई से लो की तरफ मूव करेगा हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा ये क्या है हमारा डिफ्यूजन अब ऑस्मोसिस के केस में देखें ठीक है ऑस्मोसिस के केस में क्या होगा कि अगर कोई सॉल्यूशन हम ले रहे हैं और बीच में एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन रखते हैं अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम सॉल्यूशन एड कर देंगे एक तरफ नॉर्मल वॉटर एक तरफ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहां क्या होगा कि जो हमारा सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है हाई है और यहां वॉटर सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में वो क्या है लो है तो यहां पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे सॉल्ट कंसेंट्रेशन हाई है तो वो उस सॉल्ट के कंसेंट्रेशन को मीन इक्वल uh, करने के लिए क्या करेगा कि ये जो लो कंसेंट्रेशन वाला जो है सॉल्यूशन वो क्या करेगा हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग नॉर्मल से अगर uh, एक नमक एक डिब्बे में हम लोग जैसे एक खाने में नमक रख देते हैं यहां पे क्या है कि जो सॉल्ट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाता है इस कारण से क्या होता है जो नॉर्मल वाटर है वो सॉल्ट जो सॉल्ट जो मिक्स वाटर सोल्यूशन है उसके तरफ मूव करता है ठीक है तो नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम लोग कि एक तरफ हम लोग नमक भर दिए एक तरफ हम लोग नॉर्मल वाटर को डाल दिए ठीक इसमें थोड़ा हम लोग मिक्स कर लेते हैं नमक के साथ पानी थोड़ा सेट करके एक एक साइड में हम लोग उस सॉल्यूशन को भर दिए अब यहाँ पे क्या होगा कि एक सेमी सेमीपल मेम्ब्रेन रख दिए अब यहाँ पे वाटर डाल दिए तो वाटर क्या करेगा यहाँ सूखा सूखा लगेगा उस जगह को तो वो क्या करेगा कि यहां से वाटर उसको एब्जॉर्व करने लगेगा ये जो सॉल्ट है वो क्या करेगा वाटर को यहां से एब्जॉर्व करने लगेगा मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि ये सॉल्ट उस चीज को उस नॉर्मल कंडीशन में जो वाटर है इस साइड में जो वाटर है उसको क्या करने लगेगा वो एब्जॉर्व करने लगेगा तो इसी की तरह ये ऑस्मोसिस है ना कि ये क्या कर रहा है जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है जिधर हाई है वो क्या कर रहा है लो तरफ जो वाटर जो प्रेजेंस है उसको वो एब्जॉर्व करने का काम कर रहा है तो ये क्या चल रहा है यहां पे क्या हो रहा है लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है तो ये क्या होता है हमारा ऑस्मोसिस दोनों में डिफरेंस समझ में आया आ गया होगा आई होप इसमें क्या चल रहा है नॉर्मली एक प्रोसेस चल रहा है डिफ्यूजन के केस में हाई से लो की तरफ जा रहा है और ऑस्मोसिस के केस में लो से हाई की तरफ जा रहा है तो ये दोनों में डिफरेंस है तो अच्छे से आप लोग को समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है ऑस्मोसिस सेल आरबीसी हो गया है ना आरबीसी और जो हम एनएसएल जो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जीरो पॉइंट नाइन परसेंट के जो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वहां पे हम लोग को ये केस देखने को मिला कि ये क्या है अगर हाइपोटोनिक है हाइपरटोनिक है या फिर आइसोटोनिक है उस केस में हमको ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा ठीक है आगे चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग

ठीक है तो ये क्या कर रहे हैं जो नॉर्मल वाटर है वो क्या कर रहे हैं जो सॉल्ट वाला जो वाटर है वो क्या कर रहा है कि ये absorb कर रहा है इस नॉर्मल वाटर को तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये लो से हाई की तरफ जा रहा है सॉल्ट कंसेंट्रेशन इधर हाई है इधर सॉल्ट कंसेंट्रेशन लो है तो वो क्या एबजॉर्व कर रहे हैं नॉर्मल वाटर को अपने कंसेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए ये क्या करता है एब्जॉर्व करता है तो ये होता है ऑस्मोसिस अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर सेम है तो उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे दोनों का कंसेंट्रेशन अगर सेम है सोल्ट कंसेंट्रेशन अगर सेम है तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे अगर अगर सेम नहीं है है तो उसको बोला जाता दो टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग आइसोटॉनिक एंड पैराटोनिक अगर सेम कंसनट्रेशन नहीं है तो पैराटोनिक अगर सेम कंसंट्रेशन है तो उसको आइसोटॉनिक बोलेंगे एक तरफ है हमारा ब्लड प्लाज्मा वाला सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन जो रहता है 0.88 परसेंट रहता है इन हंड्रेड एम के लिए देखें ब्लड प्लाज्मा का जीरो पॉइंट एट एट परसेंट रहता है ना तो इसी के कंसेंट्रेशन का हमको एनएचएल का जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर करना रहता है अब जीरो पॉइंट एट एट परसेंट को ही जीरो पॉइंट नाइन परसेंट लिया जाता है ठीक है अब एनएचएल का सोल्यूशन हम उसी कंसेंट्रेशन के बेस पे हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं अब क्यों प्रिपेयर करते हैं, हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन ये तब जरूरी रहता है जब हम लोग आईवी जो है है ना इंटरविनस के लिए हो गया इंटरमस्कुलर के लिए जो हम लोग लिक्विड फॉर्म में जो प्रिपेयर करते हैं ना जो इंजेक्शन के फॉर्म में हम लोग लिक्विड डोसेस फॉर्म जो प्रिपेयर करते हैं पेरेंट्रल डोसेस फॉर्म जो प्रिपेयर करते हैं उसके लिए क्या रहता है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन जरूरी रहता है ताकि हमारे ब्लड की जो सॉल्ट जो कंसेंट्रेशन है ब्लड की कंसेंट्रेशन और जो हमारे सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है वो सेम रहे अगर सेम नहीं रहेगा और तो उससे क्या हो सकता है कि हमारे ब्लड सेल्स जो है वो ब्रस्ट हो सकते हैं स्ट्रिंक हो सकते हैं तो ये सब केसेस देखने को के मिलते हैं अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं रहता है तो तो इसलिए क्या किया जाता है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन को मेंटेन आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रखा जाता है दोनों के सोल्यूशन के दोनों के कंपेयर में जैसे देखें ब्लड और हमारा जो सोल्यूशन रहता है उसको अगर देखें तो दोनों के जो कंसेंट्रेशन रहता है वो इक्वल रखते हैं ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि एक बफर सोल्यूशन है जिसका जो कंसेंट्रेशन है जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ठीक है ये क्या है ब्लड प्लाज्मा का कंसेंट्रेशन रहता है उसके इक्वल रहता है यानी कि उसी के बराबर रहता है जो हम लोग बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो अगर ये सेम है तो आइसोटोनिक रहेगा ब्लड प्लाज्मा का कंसनट्रेशन और हमारा एनिशियल जो सोल्यूशन प्रिपेयर किए हैं अगर उस सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन सेम है तो उसे हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे अगर वही नहीं है सेम नहीं है जैसे कि ज्यादा हो गया हमारे जो सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन वो है वो सॉल्ट कंसेंट्रेशन जो है वो अगर ज्यादा हो गया हमारे ब्लड प्लाज्मा के कंसेंट्रेशन से तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे अगर वही बहुत कम हो गया यानी कि जीरो पॉइंट नाइन परसेंट से कम हो गया सोल्ट कंसेंट्रेशन जो हमारे सोल्यूशन जो प्रिपेयर किए हैं उसका कंसेंट्रेशन कम हो गया तो उस केस में उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे ठीक है तो ये डिफरेंस जैसे देख सकते हैं अगर सेम है तो आइसोटोनिक ज्यादा है तो हाइपरटोनिक कम है तो हाइपोटोनिक ठीक आगे बढ़ते हैं हाइपरटोनिसिटी क्या होता है अभी जो पढ़े जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाँ हो, हाई हो हाइपोटोनिसिटी क्या लाएगा अब आइसोटोनिसिटी जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो दोनों सोल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो आइसोटोनिसिटी क्या लाएगा हाइपोटोनिसिटी क्या होगा जिसकी हाइपोटोनिसिटी uh, hypotonic, क्या होगा जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लो रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिसिटी बोलेंगे अब इसको हम लोग सेल एग्जाम्पल uh, के बेस पे भी देख सकते हैं यहां पे दिए गए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सोल्यूशन बनाए जो क्या है हमारा जीरो पॉइंट नाइन परसेंट का है ठीक है अब हम लोग ने क्या किया कि हाइपरटोनिक आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक को एग्जाम्पल के बेस पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग ने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसके अंदर हमने क्या किया आरबीसी को डाला उस सॉल्यूशन के अंदर अगर आरबीसी नॉर्मल कंडीशन में है जैसे का तैसा है तो उस कंडीशन में हमारा जो सोल्यूशन वो क्या है आइसोटोनिक सोल्यूशन है अगर हम उस सोल्यूशन के अंदर आरबीसी को डालने के बाद हमारा जो आरबीसी है वो स्वेल होने लग गया फूलने लग गया तो वो क्या हो रहा है हाइपोटोनिक मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्ट कंसेंट्रेशन जो है वो कम है तो वो क्या करेगा जो सेल है वो एब्जॉर्व करने लगेगा इस वाटर को ठीक है इस सॉल्यूशन को क्या करने लगेगा वो एबजॉर्व करने लगेगा जो आरबीसी का कंसेंट्रेशन है उसको इक्वल करने के लिए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिक और उससे क्या होगा हमारे सेल है वो स्वेल होगा स्वेल होने से क्या बोलेंगे उसको हिमोलिसिस बोलेंगे अब सेकंड कंडीशन जैसे देखें अगर हमारे सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन अगर हाई है तो उस कंडीशन में हमारा आरबीसी का कन जो कंसेंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगा अब लो होने से यहां का जो इसके अंदर जो फ्लूड प्रेजेंस है वो क्या होने लगेगा बाहर मूव करेगा मतलब कि लो से हाई की तरफ मूव करेगा तो इससे क्या होगा हमारा जो आरबीसी है वो श्रिंक होगा सिकुड़ जाएगा अब श्रिंक होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग प्लाजमोलिसिस बोलते हैं तो ये कुछ डेफिनेशन है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन कम है या ज्यादा है तो उस कंडीशन में आरबीसी में कैसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे अब नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिसिटी आइसोटोनिसिटी वैल्यू वैल्यू को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं तो मेथड यूज टू डिटरमाइन टोनिसिटी वैल्यू दो टाइप से मेथड है इसको डिटरमाइन करने के फर्स्ट है मेथड सेकेंड है क्रायोस्कोपिक मेथड हिमोलाइटिक मेथड में जैसे देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे अब उसके अंदर हम लोग आरबीसी को डाल के देखेंगे कि आरबीसी कैसा इफेक्ट शो कर रहा है उसके बेस पे हम लोग उस सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग पता लगा सकते हैं जैसे देखें अब हिमोलाइटिक मेथड में जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन जो बोल रहा है इन दिस मेथड आर सस्पेंडेड इन वेरियस सोल्यूशन एंड द अपेयरेंस ऑफ इज ऑब्जर्व फॉर स्वेलिंग ब्रस्टिंग स्विंकिंग एंड व्रिंकिंग ऑफ द ब्लड सेल्स अब इस यहां पे जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे जैसे देखें एक सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे अब क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड है 0.9 परसेंट सोल्यूशन एन का जो क्या है हमारा आर के कंसेंट्रेशन के इक्वल अब हम लोग क्या करेंगे हिमोलाइटिक मेथड के थ्रू अगर चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे अलग अलग सोल्यूशन लेंगे ठीक है अलग अलग सोल्यूशन लेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे आरबीसी को उसके अंदर पुट करके देखेंगे सस्पेंड करके देखेंगे है ना तो उसके अंदर जैसे ही हम लोग आरबीसी को डालेंगे तो हम हम ये देखेंगे कि आरबीसी कैसा इफेक्ट शो कर रहा है उसका अपेरेंस कैसा दिख रहा है आरबीसी का है ना यानी कि आरबीसी कुछ इफेक्ट तो शो नहीं कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में है कि फूल रहा है कि श्रिंक हो रहा है इस सब इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसा इफेक्ट रहा है आरबीसी कुछ नॉर्मल कंडीशन में ही है कि कुछ अपना इफेक्ट दे रहा है तो इसके इस मेथड के थ्रू हम लोग जैसे देखेंगे हीमोलाइटिक मेथड के थ्रू कि आरबीसी का अपेयरेंस कैसे आ रहा है इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे उसकी आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करेंगे अगर स्वेल हो रहा है तो हाइपोटोनिक श्रिंक हो रहा है हाइपरटोनिक नॉर्मल है तो आइसोटोनिक तो इस हिमोलाइटिक मेथड के बेस पे देखें तो हम लोग उसके अपेन्स के बेस पे उसकी आ, क्या बोल सकते हैं मेथड 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 टॉनिसिटी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे ठीक है है अब नेक्स्ट जैसे देखें क्रायोस्कोपिक मेथाड़। क्रायोस्कोपिक मेथाड़ क्या होता है? इसके बारे में जैसे देखेंगे तो फिर क्रायोस्कोपिक मेथड को थोड़ा सा डेफिनेशन इसका देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है आइसोटोनिसिटी वैल्यू कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है कॉलीगटिव प्रॉपर्टीज लाइक फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट बॉइलिंग वेपर प्रेशर अब हम कोई सोल्यूशन ले रहे हैं है ना जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड है जीरो सोल्यूशन इन हंड्रेड एमएल अब इस सोल्यूशन ये हमारा स्टैंडर्ड है ये हमारा स्टैंडर्ड है अब ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे एक दूसरी तरफ लेते हैं चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे एक हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे जो हमारा क्या है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट नाइन परसेंट का सॉल्यूशन है ठीक अब एक हम लोग क्या करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे सैंपल सॉल्यूशन जो जैसे बोल सकते हैं ठीक है इसको भी हमने क्या किया है आइसोटोनिक सोल्यूशन सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर किया है इसको भी हमने क्या किया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे ठीक है कंपेयर किसके बेस पे करेंगे इसके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बेस पे हमको क्या है पता कि ये 0.9 जो एनएसएल सॉल्यूशन है इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू डिग्री सेल्सियस है ना ये हमको स्टैंडर्ड का पता है अब इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे इसको फ्रीज करके देखेंगे अगर इसके अंदर आ गया माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू से अगर अंदर आ गया उसके बराबर में आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर ये वैल्यू ज्यादा जा रहा है तो उस कंडीशन में हाइपरटोनिक अगर यही वैल्यू कम आ रहा है तो उस कंडीशन में वो हाइपोटोनिक तो ये कुछ स है जैसे देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिग्री सेल्सियस है सबको पता है कि वाटर जो है किस डिग्री में फ्रीज हो जाता है जीरो डिग्री पे फ्रीज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट है जीरो डिग्री सेल्सियस वेन एनी सब्सटेंस सच सब्सेंस एल इज एडेड अब उसमें हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा एनेशियल एड करेंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है कितना डिक्रीज हो जाता है माइनस जीरो पॉइंट 5 to degree Celsius, इतना वो decrease हो जाता है। तो हम लोग जैसे प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता, रहता है अब इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे कोई जो टेस्ट सोल्यूशन है उसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे किसके बेस पे उसके फ्रीजिंग पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर अब अगर वही ज्यादा है कम है तो उसके बारे में बता बता तो देख लेते हैं ठीक है इसमें अगर ज्यादा कम हो रहा तो है तो हाइपो एंड अगर वो इक्वल है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा आइसोटोनिसिटी वैल्यू को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो